इस बीमारी से परेशान थी, लेकिन हमारे पास डेढ़ साल से कैन सपोर्ट की टीम आती रही और जिसने हम लोगों को बहुत हमारी हेल्प करी, और जिसमें डॉक्टर रीना, डॉक्टर इशिता, काउंसलर रजनी और सिस्टर सनी ने हमारी बहुत हेल्प करी। और हमने जब इनको फ़ोन किया तभी हमारे घर आई, और इनको देखकर मेरी मदर इन लॉ भी बहुत खुश होती थी और वो कहती थी कि तुम ना रोज आया करो मेरे घर। और वो म्यूज़िक की टीचर थी तो उनको बहुत शौक था गाने का, तो वो भजन वगैरह बहुत गाती थी, सबको सुनाती थी, वो टेबल पर बैठ के भजन सुनाती थी। हालांकि उनको अपनी बीमारी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, बस यही कहती थी मेरे में बहुत वीकनेस है इसलिए मैं चल नहीं पाती, कोई बात नहीं थोड़े दिन मैं ठीक हो जाऊंगी, ऐसा ही कहती रहती थी और भजन सबको बहुत सुनाती थी। एक दिन मैंने उनको बोला, मम्मी आप इतने भजन गाती हो, आप एक गाना पापा को भी सुना दो। मेरे फादर लोग वहीं उनके पास बैठ पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने ये गाना उनको सुनाया।